हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने बनाई है बेसन की बूंदी हलवाई जैसी और रस भरी, पर मैंने इसमें न तो बेकिंग पाउडर डाला है न ही सोडा डाला है, सिर्फ पानी और बेसन से मैंने इसको बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको बेसन की बूंदी पसंद है तो वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही आसान तरीका है ये। और ऐसी रस भरी बेसन की बूंदी आप भी बना सकते हैं। चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो कटोरी ली है सेम आकार की। इसमें मैंने डेढ़ कटोरी बेसन लिया है, बेसन न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। अब इसको एक बाउल में डाल देंगे। आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने जिस कटोरी से बेसन लिया है उसी कटोरी से दो कटोरी मैंने चीनी डाल दिया है, ये चाशनी के लिए है। और इसमें डेढ़ कटोरी मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इस बेसन को घोलने के लिए मैंने यहाँ पर डेढ़ कटोरी पानी लिया है, इसमें सवा कटोरी पानी लग जाएगा। पहले इसको टाइट टाइट ऐसे घोलना है, बाद में धीरे धीरे पानी डालकर इसको पतला करना है। ये देखिए एक कटोरी पानी लग गया है। अब जो आधी कटोरी लिया था उसमें से इसमें डालेंगे और इसको ऐसे ही मिलाते जाएंगे। घोल इसमें हमें न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा। जब हम इसको चम्मच से गिराएंगे तो ऐसे बूंद बूंद करके गिरेंगे, ऐसा हम घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे ये। और इसमें ये थोड़ा सा पानी बच गया है तो इसमें सवा कटोरी पानी लग गया है डेढ़ कटोरी बेसन में। ये देखिए अब एक अलग कटोरी में दो चम्मच निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर मिलाएंगे और बाकी में येलो फूड कलर मिलाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हमने कोई भी मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर और कुछ भी तेल घी कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी और बेसन को ऐसे घोला है और ये हमारा ये बैटर ऐसे तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी यहाँ पर हम थोड़ी सी चिपचिपी बनाएंगे। जब सारी ये चीनी पानी में घुल जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। ये देखिए चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। ये बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम बूंदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर घी लिया है और ये ऐसे झर लिया है, इसमें से बूंदी बनाएंगे। इस तरह का भी ले सकते हैं, ये दोनों झर ही हैं। यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब एक बूंद डाल के देखेंगे, अगर ऊपर आ जाती है तो घी हमारा गर्म हो गया है। अब यहाँ पर बूंदी बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इसको ऐसे चार और घुमाते रहेंगे जार को, एक जगह नहीं रखना है ये। ये देखिए ऐसे गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और जब ये थोड़ा सा गोल्डन कलर की हो जाएंगी, थोड़ी टाइट टाइट हो जाएंगी, तब इसको हम चाशनी में डाल देंगे निकाल के। पहले हाथ से चेक भी करेंगे इसको। ये देखिए उंगली से दबाने से टाइट है तो इसका मतलब ये बन गई है। अब इसको सीधे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी चाशनी में ये फिर चाशनी पियेंगी नहीं और ये सूखी सूखी रह जाएंगी। ये एक बैच हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरे बैच के लिए हम इसको साफ कर लेंगे पहले, या इसको धो लेंगे फिर इसमें दोबारा से बनाएंगे। ऐसे ये दूसरा बैच है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसको घर पर आप जब जी करे जब बना सकते हैं इसको। ये देखिए
ऐसे ये हमारी बूंदी बन के तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया था, इससे लगभग 1.5 किलो से ज़्यादा बूंदी बन के तैयार हुई हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा बूंदी बन जाती हैं तो इसको आप रायता के लिए रख सकते हैं, इसको चाशनी में न मिलाएं, अलग से रख दें इसको, और जब भी आप रायता बनाओ तो उसमें इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है, अब त्यौहार चल रहे हैं तो आप भी इसको ज़रूर बनाना। और ये कई दिन तक ख़राब ही नहीं होती हैं। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर मिलाया था, कम ही मिलाया था, ज़्यादा नहीं मिलाया, तो ये ज़्यादा हरी नहीं होंगी, ये थोड़ी सी नींबू कलर जैसा हो जाएंगी ये। ऐसे चम्मच से धीरे धीरे ऐसे राउंड राउंड इसको ऐसे घुमा के इन सारी को हम ऐसे बूंदी बना लेंगे इसका। इस तरह से हमारे 3 बैच तैयार हो गए हैं और बीच बीच में हम बूंदी को मिलाते भी रहेंगे, चाशनी में जो हमने बूंदी डाली है उसको घुमाते भी रहेंगे, वो अच्छी तरह से चाशनी पी लेंगी। जब ये गोल कम बच जाए इसमें जर में तो इसको ऐसे राउंड राउंड करके ऐसे घुमा देंगे, इससे ये सारी पट जाएंगी इसमें बूंदी, और इससे हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी बूंदी बन जाएंगी और बीच बीच में हम जो चाशनी में जो बूंदी डाली हुई है उनको भी ऐसे मिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से चाशनी को पी लें। और 1-2 घंटों के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बूंदी को चाशनी में ये सारी चाशनी पी जाएंगी। ये देखिए अभी मैं बना के हटी हूँ, 1-2 घंटे बाद छोड़ूंगी तो ये सारी चाशनी पी जाएंगी। इस तरह से रस भरी बूंदी आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। और अब त्यौहारों का सीज़न चल रहा है, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तो अब बाज़ार से जब हम लाते हैं बूंदी, घेवर जो भी लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट आती है, तो आप घर पर ही बना कर खाइए, बिल्कुल शुद्ध और साफ़ सफाई से घर पर अच्छी तरह से बनती हैं बेसन की बूंदी। और ये तरीका भी बहुत ही आसान है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, और आप इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया था, इसमें 1.5 किलो के लगभग ये बूंदी बन के तैयार हुई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं टेलरिंग, प्लांटेशन, उनकी भी वीडियो डालती हूँ, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सारी वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, और सभी त्यौहारों की सभी को नमस्कार।